प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी तमाम खबर जानने के लिए सीधा रुख करते हैं सुमन का, जो कि बनासकांठा गुजरात में ही मौजूद है। सुमन, ये दृश्य अपने आप में अभिभूत करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री अभी अंबाजी मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले बनासकांठा की जनता ने प्रधानमंत्री का प्रेमवश बहुत अहम स्वागत किया है। जी बिल्कुल आखिल, आपको बता दें कि आज सुबह से ही बनासकांठा के लोग जो है अंबाजी मंदिर के करीब इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनका अंबाजी में स्वागत करने के लिए। और जिस तरीके से आप अभी देख पा रहे हैं कि रोड शो में जो प्रधानमंत्री अंबाजी में उनका आगमन हो रहा है, तो बड़ी संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं, मोदी मोदी जय अंबे के नारे जो है वो लगा रहे हैं। लोगों में एक भारी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। हमने सुबह जब इन लोगों से बात भी की तब भी वे बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आ रहे हैं तो उसको लेकर वे उत्साहित है। साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले जो अंबाजी को सौगातें दी है, जिसमें रेलवे की जो सौगात है वो अंबाजी को मिलने वाली है। साथ ही क्योंकि अंबाजी जो है वो प्रवासन केंद्र है तो वहां पर उसका विकास के लिए भी कई सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है, उसको लेकर भी लोग काफी उत्साहित है। और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग अब इकट्ठा हो चुके हैं और मोदी मोदी का नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंबाजी में स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रधानमंत्री दो दिन से गुजरात के दौरे पर आए हैं और आज सबसे पहले अपने दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री अंबाजी पहुंचकर मां अंबा के दर्शन के साथ करेंगे। जिस तरीके से हम सब जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री की मां अंबा से अंबाजी मंदिर से बहुत आस्था रही है, जब जब उन्हें मौका मिलता है तब तब वे अंबाजी मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं। और पिछले ठीक आज से एक साल पहले भी प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने पूजा अर्चना की थी और अम्मा अम्मा के दर्शन किए थे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी इकट्ठा हो रहे हैं और बड़े ही उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मंदिर की जब आ रहे हैं वहां वे पूजा अर्चना करेंगे और अपना जो दौरे की शुरुआत है माँ अम्मा के आशीर्वाद से करेंगे। जी आसिफ, सुमन, ये जो दृश्य है ये हमने हमेशा देखे हैं, जब भी प्रधानमंत्री इस तरह से किसी राज्य में जाते हैं, रोड शो करते हैं, तो लोगों का प्यार और साथ ही साथ जिस तरह से लोग उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि हमेशा से प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में देखते हैं और लोगों से मन का संवाद करना सहज सरल सौम्य और व्यवहारिक तरीके से वो जानते हैं, इसीलिए जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। जी बिल्कुल, और पूरी दुनिया पूरा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्यार करता है, लेकिन क्योंकि गुजरात के तो वे बड़ौदा पुत्र रहे हैं, पुत्र है, तो उसकी वजह से लोगों का ज्यादा लगाव जो है प्रधानमंत्री की तरफ बहुत ज्यादा है। जब हमने अभी लोगों से बात भी की तब भी वो कहते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ के गुजरात से के बेटे हैं। तो कई महिलाओं का ये भी कहना है कि जो माँ अम्बा का आशीर्वाद है वो प्रधानमंत्री के साथ हमेशा से है। जिस तरीके से देश का विकास, हर धर्म स्थल का विकास प्रधानमंत्री की, अभी फिलहाल कई समय से हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग धर्म स्थलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और धर्म स्थल जो है उनका विकास जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, पिछले कई सालों में अगर हम देखें तो काफी जो बदलाव है वो इनकी तरफ आ गया है। प्रवासन केंद्र जो है वो काफी धर्म स्थल जो है वो उस तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं लोगों के लिए। जो प्रवासी यहाँ आते हैं उनके रुकने की सुविधा, दर्शन की सुविधा, परिवहन की सुविधा, सभी सुविधाओं की कई परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही वक्त पहले अंबाजी को दी है, जिसकी वजह से भी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत ज्यादा खुश है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि मंदिर को पूरी तरह से फूलों से सजावट उसकी की गई है, रंगोली बनाई गई है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर कई लोग जो है वो उनके स्वागत के लिए गरबा की तैयारी कर रहे हैं, गरबा कर रहे हैं। साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का अंबाजी मंदिर में स्वागत किया जा रहा है। अंबाजी मंदिर में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे और फिर यहाँ से वे अपने आगे के जो प्रोग्राम है खेरालू महसाणा में वहाँ की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी अंजुमन, जिस तरह से हम लगातार सुबह से बात कर रहे हैं कि शक्ति पीठ के लिहाज से अंबाजी का मंदिर जो है उसकी अपनी आध्यात्मिक महत्वता है और इस पूरे जिस जनता का हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं इसमें हर वर्ग का व्यक्ति मौजूद है। क्या इसमें हम देख सकते हैं वृद्ध भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी शामिल हैं, उनके उनकी आवाज़ें आ रही हैं और ये जो हुजूम है जिस तरह से फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है यह अकल्पनीय है। जी बिल्कुल, सुबह से ही हम लोग जिस तरीके से यहाँ देख पा रहे हैं
छोटे बच्चे से लगाकर वृद्ध लोग सुबह से ही प्रधानमंत्री के इंतजार में यहाँ बैठे हैं और बड़ी ही खुशी के साथ वे इस इंतजार का इंतजार कर रहे हैं। एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वे देखना चाहते हैं, जिससे उन्हें अत्यंत खुशी होगी और लोगों में भारी उत्साह बिल्कुल बेशक बनता है यहाँ से, क्योंकि जिस तरीके से काम हम लोगों के लिए किए जा रहे हैं, हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, खास अम्बाजी की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि अम्बाजी मंदिर शक्तिपीठ है और बहुत बड़ी इनकी आस्था है यहाँ पे, तो ना सिर्फ अम्बाजी मंदिर को बल्कि इस जो एरिया है उसको भी उस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर जो लोग रहते हैं, साथ ही जो प्रवासी आते हैं, उन सबके लिए बहुत सुविधाएं होती हैं। तो उन सुविधाओं की खुशी, उन सभी सौगातों की खुशी आप इन सभी लोगों के चेहरे पर देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं, जय अम्बे के यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। और एक बात अचल आपको और बता दूं कि जिस तरीके से हम सभी जानते ही हैं, प्रधानमंत्री अभी ही नवरात्रि गुजरात में और हमारे देश में नवरात्रि का उत्सव मनाया गया, प्रधानमंत्री भी नवरात्रि में उपवास रखते हैं और कई सालों से उनकी भी एक आस्था जो है अम्बाजी मंदिर से बहुत जुड़ी है। यहाँ पर नवरात्रि में बड़ी संख्या में लोग आते हैं और प्रधानमंत्री की जो आस्था है उस आस्था के चलते आज जब वो यहाँ पहुंच रहे हैं अम्बाजी मंदिर में और अब माता माँ अम्बा के दर्शन का जो अपने दौरे की शुरुआत करने वाले हैं वो काफी ही प्रेरणा रूप है और लोगों के लिए बिल्कुल उत्साहित कर देने वाली है। और जिस तरह से हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे माँ नर्मदा ने बुलाया है, और क्योंकि यहाँ पर हम सिंचाई योजनाओं की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पेयजल से जुड़ी योजनाओं की बात, यहाँ सड़क कनेक्टिविटी की हो रही है, उस लिहाज से गुजरात के विकास मॉडल को पूरी दुनिया में देखा जाता है, उस लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा विकास के पथ पर लगातार चलता हुआ गुजरात आगे बढ़ता हुआ। जी बिल्कुल आचल, एक वक्त था जब गुजरात में कहते थे कि एक कोने से दूसरे कोने तक पानी पहुंचाना लोगों के लिए मुश्किल था, लेकिन आज आप समझिए कि जो नर्मदा नदी है उसका पानी जो कच्छ जिला है साथ ही जो दूर दूर के गुजरात के जिले हैं वहां तक पहुंच रहा है, लोगों वहां के लोगों को गांव गांव तक बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि सड़क की सुविधाएं हो साथ ही रेल की सुविधाएं हो, ये सभी सुविधाएं लोगों को समय के साथ साथ मिली है और मिल भी रही है, जिस वजह से गुजरात भी जो है एक मॉडल बना हुआ है। नर्मदा नदी की हम बात करें तो नर्मदा कैनाल का जो विकास गुजरात में हुआ है उसकी वजह से छोटे कोने में भी जो गांव है वहां तक भी पानी पहुंचा है, जो एक समय पे आप समझिए कि अकल्पनीय था, असंभव था, उसको भी पूरा किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। और जिस तरीके से गुजरात को आज आप गुजरात की तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, एक विकास का एक जो मॉडल है वो देश भर के लिए गुजरात बना हुआ है, तो इस वजह से भी गुजरात के जो लोग हैं वो हमेशा से ही बहुत उत्साहित होते हैं जब प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर आते हैं। अब जब यहाँ से अम्बाजी से प्रधानमंत्री खेरालू जाएंगे और वहां पर जो लोगों को कई अलग अलग परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं उसको लेकर भी लोग काफी उत्साहित है, जिसमें पेयजल हो, सड़क हो, सिंचाई की जो अलग अलग परियोजनाएं हैं वो सब शामिल है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मंदिर की ओर है आगे बढ़ रहे हैं, पूजा अर्चना वे आज करने वाले हैं और जो छोटे छोटे से बच्चे हैं वो यहाँ पर बड़े ही उत्साह के साथ गरबा कर रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। कल रात में प्रधानमंत्री के आज आने की खुशी को लेकर कल रात में 900 दियों की आरती जो है वो अम्बाजी मंदिर में की गई थी, पूरे मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है, जगह जगह पर रंगोलियां बनाई जा रही है, मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग जो है वो इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने सुबह महिलाओं को भी सुना जो साफ तौर पर कह रही थी कि जिस तरह से जो महिला शक्ति वंदन बिल है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता जताई, तो महिलाओं के लिए अलग ही खुशी है कि जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ प्रधानमंत्री तमाम योजनाएं जो है उनकी रूपरेखा तैयार करते हैं वो समय रहते पूरी की जाती है। जी बिल्कुल, अभी सुबह ही हमने जब कई महिलाओं से बात की तो उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री माँ अम्बा के जैसे शेर उनका एक है, तो प्रधानमंत्री एक शेर है जिन्होंने हमारे देश को विकास की रफ्तार में आगे बढ़ाया है। उनका ये भी कहना था कि माँ अम्बा का प्रधानमंत्री पर बहुत आशीर्वाद है कि जिस भी विकास परियोजनाओं की तरफ आगे बढ़ा जाता है वो समय रहते पूरी होती है, लोगों को उनकी सुविधाओं का लाभ मिलता है और बिल्कुल जो गुजरात का विकास है, देश का विकास है वो अपने आप से प्रेरणा रूप होता है।